यहाँ पर आपको बताएंगे हम खबर, एक और अपडेट करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ हफ्ते को लाहौर पहुँचेगी। नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ से लंदन में अमीर मकाम की मुलाकात हुई है। सियासी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा, नून लीग से मुतल्लिक और दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। नवाज़ शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी कारकुनों को मुतहरक करने की हिदायत। मुलाकात में पार्टी अमूर पर भी मुशावरत की गई है। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज हफ्ते को लाहौर पहुंचेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से लंदन में अमीर मकाम की मुलाकात। सियासी सूरतेहाल खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग से मुतालिक दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि नवाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी कारकुनों को मुतहरक करने की हिदायत। मुलाकात में पार्टी अमूर पर भी मुशावरत की गई है। अहम डेवलपमेंट, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना हो गई हैं। इसी पर तफसीलात हासिल कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है दानियाल राठौर। जी दानियाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना हो चुकी हैं। मरियम नवाज ने वालिद मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की, गले मिले और नेक ख्वाहिशात का इजहार मरियम नवाज को किया गया नवाज शरीफ की जानिब से। मरियम नवाज अब यहाँ से दुबई पहुंचेंगी। दुबई में एक रोज क्याम करने के बाद जो है वो हफ्ते के रोज सुपहर जो है वो लाहौर पहुंचेंगी। लाहौर एयरपोर्ट में इनका वालेहाना इस्तकबाल करने के लिए कारकुनान ने प्लान तरतीब कर रखा है। सख्त सिक्योरिटी हिसार में इनको रेवेंड इनकी रिहाइश का जाती उमड़ा जो है मुंतकिल किया जाएगा। बस बारस्ता रिंग रोड ये इंतखाब किया गया है और मुस्लिम लीग नून के सदर सैफुल्लाह खोखर की जानिब से कहा गया है कि ये कारकुनान की जानिब से पार्टी कायद का इस्तकबाल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद मरियम नवाज पहली दफा वतन पहुंचेगी और उनका वालेहाना इस्तकबाल कारकुनान ने अपनी मर्जी से कर रहे हैं और इसके लिए जो है प्लान तरतीब कर रखा है। जी